नमस्कार, पपीतास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो केक। मैंगो से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। मैंगो शेक है, खट्टे मीठे पापड़ है, कड़ी है, तो आज हम कुछ हटकर बना रहे हैं ये। तो चलिए, बिल्कुल इसमें मैंगो का ही फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आम ले लिया है, मीडियम साइज का आम है और मीठा आम है ये। इसे छिलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है, इसी तरह से रफली कट करना है। तो चलिए इसे हम मिक्सर जार में डालकर अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो ये मैंने मिक्सर जार में डालकर पेस्ट बना लिया है, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का पेस्ट बनाना है। ये देखिए फाइन पेस्ट बनाना है बिल्कुल। तो चलिए इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। इसमें मैं हाफ कटोरी के करीब चीनी डाल दूंगी और लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। 2 मिनट और पका लेंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 4 से 5 मिनट ही लगते हैं इसे पकाने में। तो ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, बस इतना ही पकाना है। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए इसे रख देते हैं। तो यहाँ केक टिन मैंने तैयार कर लिया है, बटर पेपर लगा दिया है और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक भगोना लिया है बड़ा सा, इसमें इस तरह से स्टैंड लगा दिया है। आप चाहे तो नीचे तली हुई नमक भी डाल सकते हैं और ढक करके इसे 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। भगोने में केक बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप और आधा कप और 1/2 कप चीनी ली है, पीस कर ले ली है इसे मैंने। तो चलिए दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेते हैं। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी मोटा पोर्शन होगा ये बाहर निकल जाएगा इस तरह से छानने से, और बिल्कुल जो भी मिश्रण है खिला खिला सा हो जाएगा। तो चलिए 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ले लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहे तो मक्खन भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए एक साथ नहीं डालना है दूध, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तो चलिए थोड़ा सा दूध मैं और डाल लेती हूँ, अभी मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह का चाहिए हमें। यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध लिया था, उसमें 4 टेबल स्पून दूध बच गया है। तो चलिए हमने जो पल्प तैयार किया था आम का, तो उसे डाल देते हैं। 4 टेबल स्पून पल्प यहाँ पर मैंने डाल दिया है और ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा सा कलर आ गया है, और कलर के साथ इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का बैटर बनाकर हमें तैयार करना है। तो चलिए केक टिन में डाल लेते हैं और इसे मैं थोड़ा सा टैप कर दूंगी इस तरह से। तो चलिए ये बर्तन हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, रख देंगे और ढक करके इसे 35 से 40 मिनट के लिए अच्छे से बेक करेंगे लो फ्लेम पर। तो 35 से 40 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा सा केक हमारा तैयार हो चुका है। नाइफ डाल के देखते हैं, बिल्कुल बीच में डालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन निकली है। गैस ऑफ कर देंगे और केक को बाहर निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से पककर हमारा केक रेडी हुआ है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। बहुत ईजिली निकल जाता है इस तरह से, बटर पेपर यदि नीचे लगा देते हैं तो खूब अच्छे से निकल जाता है। चलिए बटर पेपर हटा देते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा सा कलर आया है। ये देखिए बहुत अच्छे से सिककर हमारा केक रेडी हुआ है। तो चलिए सीधा कर लेते हैं इसे। ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा सा बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। तो चलिए मैं आपको इसे दबाकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा सा बना है, ये देखिए सॉफ्ट है बिल्कुल। चलिए ऊपर से इसे थोड़ा सा कट कर लेते हैं इस तरह से, और इस पर हम जो आम का पल्प हमने तैयार किया था उसे डाल देंगे पूरे में, अच्छी तरह से फैला देते हैं। तो चलिए डाल लेते हैं
नाइफ से इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, मैंगो का इसमें। और अभी सीजन है तो ये केक तो बनाना बनता ही है। तो चलिए साइड से भी हम थोड़ा थोड़ा सा मैंगो पल्प डाल देते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया अच्छा सा लग रहा है हमारा केक। इसे और सुंदर बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी डार्क चॉकलेट या फिर मिल्क कंपाउंड लेंगे और इससे और अच्छा डेकोरेट करेंगे ऊपर। तो यहाँ पर मैंने ये मिल्क कंपाउंड ली है, इसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है और डबल बॉयलर से मैंने इसे मेल्ट कर लिया है। इसे मैंने अभी इस वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसे इसी तरह से मेल्ट कर लिया है, देखिए। तो चलिए इसे पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा कट लगा देंगे, छोटा सा। तो चलिए इस तरह से डिज़ाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए। इससे हमारा केक बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। यहाँ पर ये मैंने अगरबत्ती की लकड़ी ली है, आप चाहे तो टूथपिक भी ले सकते हैं या किसी भी चीज़ से इस तरह से डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगती है डिज़ाइन, ये देखिए। बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि अंदर से भी इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। ये देखिए कितना बढ़िया अंदर से भी अच्छे से सिका है, बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। ये देखिए अंदर से भी इसका टेक्सचर आप देखिए कितना बढ़िया अच्छा सा है। मैं कट करके भी आपको दिखा रही हूँ कितना स्मूथ अच्छे से कट हो रहा है, ये देखिए। और इसमें अंदर से भी मैंगो का बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आया है। मैंगो केक बनाते समय कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है कि आप जब इसका बैटर तैयार कर रहे हैं तो वो ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। थोड़ा थोड़ा करते हुए ही दूध डालना है, एक साथ दूध नहीं डालना है वरना लम्स पड़ जाएंगे। और लो फ्लेम पर ही आपको केक को बेक करना है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।